नमस्कार किसान साथियों, किसान अन्नदाता यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल में हम दानेदार सागरिका का इस्तेमाल कब और कैसे कर सकते हैं और दानेदार सागरिका का हमारी धान की फसल में क्या लाभ मिलता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस समय हमारी धान की फसल में नए नए कल्ले निकलना शुरू होते हैं। उस समय हमारी धान की फसल में काफ़ी अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम समय रहते उन पोषक तत्वों को नहीं दे पाते तो हमारी धान की फसल उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती। किसान साथियों, जब हम धान की फसल में पहले खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें दानेदार सागरिका का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक, बोरोन आदि इसमें मौजूद होते हैं, जो धान की फसल में पोषक तत्वों का काम करते हैं। यदि हम धान की फसल में समय रहते दानेदार सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे हमारी धान की फसल में कल्ले अधिक निकलेंगे और हमारी धान की फसल में काफ़ी अधिक हरापन आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों, दानेदार सागरिका है ये समुद्री शैवाल से बना हुआ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसे हम किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं। लगभग 8 से 10 किलोग्राम हमें दानेदार सागरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम धान में पहले खाद का इस्तेमाल करते हैं, दानेदार सागरिका का उस खाद के साथ इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान साथियों, आप भी अपनी धान की फसल में दानेदार सागरिका का इस्तेमाल करके अपनी धान की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।